आपने सामान चोरी होते, गहने चोरी होते तो देखा होगा, लेकिन पेट की चोरी होते शायद ही सुना हो। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब चोरों ने हजारों पेड़ों पर हाथ साफ कर लिया। करीब 2500 पेड़ 100 बीघा जमीन से गायब हो गए। जब गांव वालों ने देखा तो फौरन इसकी शिकायत पुलिस और वन विभाग से की। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल ऊंचा आमिरपुर गांव में 100 बीघा जमीन पर 10,000 पेड़ लगाए गए थे। हालांकि ये पेड़ वन विभाग की तरफ से लगाए गए थे। 9 साल बाद ये इलाका जंगल बन गया था। इस जंगल में अर्जुन, कीकर, पापड़ी जैसे पेड़ मौजूद थे। ग्रामीणों ने बताया कि 100 बीघा जमीन में से 11 बीघा जमीन पर स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए वन विभाग से अनुमति भी मांगी जा रही थी, लेकिन चोर अनुमति मिलने से पहले ही पेड़ चुरा कर ले गए। 3 दिन पहले जब ग्रामीणों ने देखा कि पेड़ उस जगह से गायब है और उनकी काटी गई लकड़ियां भी गायब है, तो उनका पारा गर्म हो गया। गुस्साए लोगों ने फिर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। गायब हुई लकड़ियों की कीमत भी करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वहां के ग्राम प्रधान नीलम चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। कोतवाली प्रभारी श्रीपाल सिंह ने बताया कि ऊंचा आमिरपुर गांव में पेड़ काटे जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस को भेजा गया था, लेकिन वहां पर वन विभाग की टीम भी मौजूद थी, इसलिए इस मामले पर वन विभाग ही कार्रवाई करेगा। वहीं जब वन विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।